आज हम बना रहे हैं पॉमफ्रेट रावा फ्राई। महाराष्ट्र की एक फेमस रेसिपी है ये। महाराष्ट्र के हर एक नॉन वेज रेस्टोरेंट में बहुत आसानी से ये मिलता है और आज यही हम घर में बनाएंगे बहुत आसान तरीके से और कम तेल में और बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट्स है। तो चलिए देखते हैं पॉमफ्रेट रावा फ्राई बनाने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। एक पैन को मैंने यहाँ पे गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसमें मैं 3 चम्मच के करीब बेसन डाल रही हूँ। बेसन को हमें थोड़ा सा ही भूनना है ताकि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए और अच्छा सा महक आ जाए। बेसन को भूनने के लिए हमें 2 मिनट लगेगा। बेसन अच्छे से भून गया है, इसको एक छोटे से कटोरे में निकल के रखते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक छोटे से बोल ले लिया है। इसमें हम एक मसाला रेडी करेंगे। 1/2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/2 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच तीखा लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच के करीब मस्टर्ड ऑयल। फिश को मैरिनेट करने के लिए मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल के यूज़ किया है, आप चाहे तो और किसी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। 3 चम्मच जितना बेसन, जो बेसन हम भून के रखे हैं वो बेसन हम इसमें डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के। 1 से 2 टेबलस्पून पानी की ज़रूरत है ये मिक्स को रेडी करने के लिए। पेस्ट को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गाढ़ा रखा है, आप चाहे तो इससे थोड़ा सा पतला कर सकते हैं। जैसे इसमें और थोड़ा सा 1-2 चम्मच पानी आप डाल सकते हैं और मिला लीजिए पानी को अच्छे से, तो ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा। पॉमफ्रेट रावा फ्राई के लिए मैंने यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के पॉमफ्रेट ले लिया है। फिश को वॉश करने के टाइम मैंने इसमें थोड़ा सा हल्दी डाला था तो इसलिए थोड़ा सा पीला लग रहा है। मसाला का जो पेस्ट हमने बनाया है वो पेस्ट से हमें फिश को अच्छे से मैरिनेट करना है। फिश के चारों तरफ अच्छे से मसाला लगाना है और फिश के ऊपर जो मैंने कट लगाया है उसके अंदर भी अच्छे से मसाला लगाना है, क्योंकि इससे फिश का जो टेस्ट है वो और भी ज़्यादा इन्हेंस होगा। फिश के ऊपर अच्छे से मसाला लगाने के बाद हम इसको 10 से 20 मिनट के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे मैरिनेट होने के लिए। रावा फ्राई बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है रावा, सूजी 3 छोटे चम्मच। अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून, 1 या 2 पिंच हल्दी और 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर। सारे ड्राई इन्ग्रीडियंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिश को फ्राई करने के लिए ऑयल। रावा को फिश के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके ऐसे डालते जाएंगे और दोनों तरफ अच्छे से रावा को कोट करना है। रावा फिश के ऊपर कोट करने के बाद हाथों की मदद से आप थोड़ा सा फिश के ऊपर प्रेस कर लेंगे, उससे क्या होगा रावा बहुत अच्छे से फिश के ऊपर चिपक जाएगा। दोनों तरफ ही अच्छे से कोटिंग कर लेंगे रावा से। रावा से मैंने फिश को कोट कर लिया है, अब चलते हैं इसको फ्राई करने के प्रोसेस में। फिश को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे 4 से 5 बड़े चम्मच के जितना ऑयल लिया है। तेल गर्म हो गया है, अब फिश को पैन के ऊपर धीरे से रख देंगे। 1 मिनट के लिए फिश को हम टच नहीं करेंगे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके तेल लेके हमें फिश के ऊपर से डालना है, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ही कम तेल से इसको फ्राई कर रही हूँ। बहुत सावधानी से आपको ये फिश फ्राई करना है क्योंकि तेल के छींटे बहुत ज़्यादा बाहर आ रहे हैं। अब इसको पलट देंगे दूसरे तरफ। दोनों तरफ फिश को अच्छे से फ्राई कर लेंगे 5 से 7 मिनट के लिए।
थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर आ जाने तक हमें फ़िश को फ्राई करना है, और इससे क्या होगा कि फ़िश के ऊपर जो कोटिंग है बहुत ज़्यादा अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगा। एक फ़िश को हमने फ्राई कर लिया है, अब चलते हैं दूसरे फ़िश को फ्राई करने के लिए। इसको भी सेम प्रोसेस में फ्राई करेंगे। पॉमफ्रेट रवा फ्राई को सर्व करने के लिए मैंने लिया है केचप और थोड़ा सा ग्रीन चटनी। अपने मनपसंद कोई भी डिप के साथ आप पॉमफ्रेट रवा फ्राई को सर्व कर सकते हैं।